ओके तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की। एम्ब्रियोजेनेसिस तब समझ में आएगा जब आपको पहले के वीडियो आपने देखे हो। तो यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाइए और के बटन में लिंक दिया हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट देखिए, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस में आपका स्वागत है अच्छे से समझने के लिए। एम्ब्रियोजेनेसिस तो आज हम समझेंगे ही, तो चलिए बिना इंतजार ना किए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस की। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, सबसे पहले हमारे दिमाग में ये उठना चाहिए। जायगोड बन गया, जायगोड के बाद की जो प्रोसेस होती है उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, या हम ये कहें इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है कहाँ से, जायगोड से एम्ब्रियो बनने तक के जो डेवलपमेंट है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जानी चाहिए गाइस, मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं जाएगी। आगे बढ़ते हैं, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे क्या होता है। जायगोड अंडरगोज सेल डिवीजन, तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो जायगोड है वह सेल डिवीजन करता है, और सेल डिवीजन के बाद कुछ किस मेथड से सेल डिवीजन करेगा, माइटोसिस से सेल डिवीजन करेगा, और क्या कर लेता है, एन सेल डिफरेंशिएशन, और साथ में सेलों का डिफरेंशिएशन भी स्टार्ट हो जाता है। आगे बात करते हैं, सेल डिवीजन से क्या होगा, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, सेल डिवीजन होंगे तो सेलों की संख्या बढ़ेगी। जब सेलों की संख्या बढ़ेगी तो कहाँ सेलों की संख्या बढ़ती, इन द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर सेलों की संख्या बढ़ती है आफ्टर सेल डिवीजन के बाद। नेक्स्ट क्या है, सेल डिफरेंशिएशन कॉज, ये जो सेलों का जो डिफरेंशिएशन है, ये बदलाव है, भिन्नताएं हैं, ये क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करते हैं किसमें, ग्रुप ऑफ सेल में, दैट मीन्स टिशू में, इनटू, अब ग्रुप ऑफ सेल क्या है, टिशू है, तो टिशू किसमें बदलने की कोशिश करेंगे, वेरियस टिशू में बदलने लगते हैं। टिशू किसमें बदलेंगे, ऑर्गन्स में, और ऑर्गन पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिज्म में बदल जाते हैं। ओके, तो प्लीज़ समझिए, सेल डिफरेंशिएशन होता है, सेल डिफरेंशिएशन के हर एक सेल के जीवन में अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग अंगों का निर्माण होता है बॉडी के। ओके, तो ये आने वाले टाइम पे इस तरीके से इनका काम होता है। सेल डिफरेंशिएशन, ग्रुप ऑफ सेल यानी कि वेरियस टाइप के टिश्यू में बदलाव कर लेते हैं, और बहुत अलग अलग तरीके के टिश्यू जो है अपने आप को ऑर्गन में डेवलप करते हैं, और ऑर्गन यदि बन गया तो ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, और एक नया इंडिविजुअल बन के तैयार है, अब वो इस संसार में आने के लिए भी तैयार है। संसार में किस तरीके से आएगा, आफ्टर कंप्लीट द पार्सुलेशन प्रोसेस, पार्सुलेशन प्रोसेस को हिंदी में प्रसव कह सकते हो या डिलीवरी कह सकते हो। ओके, तो उसके बाद वंडरफुल वर्ल्ड में एक नए बच्चे का स्वागत रहता है। नेक्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ जायगोड, अब ये जो जायगोड है उसका स्थान क्या है, उसके आधार पर देखें, ये जायगोड के डेवलपमेंट के आधार पर देखें तो एनिमल को दो भागों में बांटे गए हैं। तो ये एनिमल को दो भाग कौन कौन से बेटा, देखते हैं जरा, यही इस बात को आप समझ लेते हैं तब आपको आसानी होती है कि बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ जायगोड डेवलपमेंट के आधार पर एनिमल को दो भागों में जो बांटे गए हैं वो ये हैं। एक को बोला जाता है ओविपेरस और दूसरे को बोला जाता है वीविपेरस। ओके, दोनों का मतलब क्या है देखिए जरा, ओविपेरस का मतलब होता है सच ए ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू द एग, एग को प्रोड्यूस करने वाले सारे जानवर को हम ओविपेरस कहते हैं। कौन कौन से जानवर हैं जो अंडों को प्रोड्यूस करते हैं, सच एज द बर्ड्स, मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स, ओके, और फिशेस, ये जो है क्या करते हैं आपके ओविपेरस नेचर के होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सच एन ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस एग, एग्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो को अंडे को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम ओविपेरस कहते हैं। एग्जांपल क्या लिखेंगे आप लोग, फिशेस, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस भी अंडे देते हैं, एम्फीबियन और एविस का मतलब होता है बर्ड। अब देखिए फिशेस के अंदर ज़्यादातर जितने भी फिशेस से मछलियों की वैरायटी उसको पड़ जाती है, रेप्टाइल्स में हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल को पढ़ते हैं तथा जिनके शरीर में स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं, एम्फीबियंस में फ्रॉग को पढ़ा जाता है, और सच ऑर्गेनिज्म विच आर सर्वाइवल इनसाइड ऑफ द वाटर एंड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द वाटर एंड दोज एनिमल्स आल्सो स्टडी कम अंडर द दैट इज द एम्फीबियंस, एविस दैट मीन्स दुनिया के ज़्यादातर बर्ड्स को की वैरायटीज है उसको हम एविस के अंदर पढ़ते हैं। तो ये ओविपेरस नेचर के इतने सारे जानवर होते हैं। बात करते हैं किसकी, वीविपेरस की, तो वीविपेरस का मतलब होता है सच एन ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू बेबी।
ओके, बात समझ में आई। ऐसे जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं उसको हम बोलते हैं वीविपेरस। एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल में इसमें आ जाएंगे आपके मोस्ट ऑफ द मेमल्स, मेमल्स जैसे कि इंसान, जैसे कि कुत्ता, जैसे कि गाय, ओके, ये बहुत सारे मेमल्स जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं तथा नेचर से वार्म ब्लडेड होते हैं, वो डायरेक्ट ही अपने बच्चों को जन्म देते हैं। वो किसके अंदर आएंगे? वीविपेरस के अंदर आएंगे। और कुछ बर्ड्स की वैरायटी भी है लेकिन मेमल्स के अंदर पड़ते हैं बेटा, दैट इज़ अ बैट, और एक है ब्लू व्हेल, एक मछली की वैरायटी है ब्लू व्हेल, लेकिन ये इसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? ब्लू व्हेल, इसकी स्टडी हम करते हैं मेमल्स के अंदर। दैट्स वाई ये सारे जानवर ऐसे हैं जो नेचर से वीविपेरस होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और इसी के साथ में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। ओके गाइस, अगले सेशन पे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड की, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और यदि अभी तक आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो की बटन में लिंक मिल जाएगा, जाइए और सबसे पहले देखिए, और मिलते हैं बहुत जल्द। और यदि अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी करिए, बायोलॉजी से संबंधित सारी जानकारी मैं उपलब्ध करवाऊंगा आपको। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द, थैंक यू सो मच वंस अगेन।